अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 922 लोगों को डिपोर्ट किया गया है मात्र एक महीने में। और जो है एक तरफ जो है काफ़ी आगजनी तोड़फोड़, बहुत ही बुरे हाल है वहाँ पे जो है अपील किया जा रहा है कि भैया आप शांति बनाए रखें। वो कौन सा अपडेट है उसके बारे में भी जो आप लोगों को बताऊँगा। एक आदमी ने जो ना मगरमच्छ से शादी कर लिया और हवाला दिया ट्रेडिशन का, उसके बारे में भी अपडेट है। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें हैं तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। कुवैत से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ओपन हाउस सेमिनार कुवैत एम्बेसी करा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ आई हुई है, मैक्सिकन नागरिक है, मेयर है वहाँ का, पढ़ा लिखा भाई मेयर है, वो भाई साहब जो है एक मगरमच्छ जो है फीमेल मगरमच्छ से शादी कर लिए हैं और उसका नाम जो है राजकुमारी रख लिया है। भैया ये राजकुमारी, हम इसे शादी करेंगे। सैकड़ों साल पहले इनके पूर्वज ऐसा करते आते थे कि ये लोग जो है मगरमच्छ वगैरह से शादी करते थे, तो इन्होंने बोला कि ये जो चल रहा था ट्रेडिशन वो ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसको दोबारा से जीवित किया है और मैं जो है इनसे शादी कर रहा हूँ। बड़ा धूमधाम से जो है आप वीडियो देख सकते हैं, वो उस मगरमच्छ को सजाया गया है, दुल्हन बनाया गया और ये भाई साहब उससे जो है अपने पूरे रीति रिवाजों के साथ से शादी कर रहे हैं। आप लोग इस पर हंस भी सकते हैं और बाकी आप इस पर अपना कमेंट करके राय भी बता सकते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। अभी तक हम इंडिया में देखते थे कई बार कुत्तों से जानवरों से लोग शादी करा देते थे ट्रेडिशन के नाम पर, और एक ये अलग ही ट्रेडिशन है मगरमच्छ जो काफ़ी डरावना चीज़ है। दोस्तों अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा ओपन हाउस सेमिनार को लेकर के। 5 जुलाई को जो है कुवैत एम्बेसी जो है कुवैत में इंडियन एम्बेसी है वो जो है ओपन हाउस सेमिनार करने जा रहे हैं। इंडियन लोग जितने भी वहाँ पे रहते हैं, अगर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं या उनको इंडिया वापस आना है, किसी भी तरह का कंसर्न हो, वो जो है इंडियन एम्बेसी कुवैत में जो है संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए पहले उनको जो है कौंसुलेट की साइट पर विजिट करना होगा, वहाँ से जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, रजिस्ट्रेशन कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन वो कर लेंगे, फिर उसके बाद से उसमें उनको शिरकत मिल जाएगी, एक पास मिल जाएगा, फिर वहाँ पर वो शरीक होकर अपने कंसर्न अपने प्रॉब्लम जो है वो बता सकेंगे। दोस्तों अगला जो खबर है वो भी कुवैत से आया। कुवैत में मात्र एक महीने, पिछले महीने का रिपोर्ट आया जून के महीने का, वो जून के महीने में 922 प्रवासियों को, गैर मुल्कियों को जो है वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। ये भारी तादाद है, उनको पकड़े तो बहुत लोग जाते हैं लेकिन 922 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। ये लोग क्या करते थे कि दूसरी जगह पर जाके काम करते थे, कई लोग का इकामा वगैरह जो है वो एक्सपायर हो गया था, जो वहाँ की आईडी वगैरह रहती वो सब एक्सपायर रहती थी, तो वो जीतना। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लोग पकड़े गए ना वो पकड़े ये गए हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहीं और भी काम करने लगे, यानी आज़ाद बीजा टाइप काम, दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, तो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी और कई जो और काम करने वाली जगहें हैं वहाँ भी छापेमारी हुआ है, रिहायश एरिया में भी छापेमारी हुआ है। ज़्यादातर लोग जो है जो घरेलू कारकिन होते हैं, जो घरेलू वर्कर होते हैं, वो दूसरी जगह काम करते हुए पकड़े गए हैं और वो लोग जो है अरेस्ट हुए हैं और उनको डिपोर्ट किया गया है। तो कुवैत में अगर आप हैं तो ज़रा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और जिस काम में आप आए हैं वही काम करिए, इधर उधर मत जाइए। और आपके भाग के जो काम करने लगते हैं, काम अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो लोग जो है जो आईडी बोलते हैं वहाँ पे, तो अगर आईडी वगैरह एक्सपायर है तो आप अपने जो जो भी कंसर्न आपका कफ़ील है जो कुवैती है उससे संपर्क कीजिए और आपके जो ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवाइए और आप जो है लीगल तरीके से वहाँ पे काम करिए ताकि आगे की आपकी लाइफ वहाँ पे सुकून से गुजरे। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब में जो है हज का पूरा सीज़न ख़त्म हो गया है, वहाँ से लोग अपने अपने देश वापस भी आ रहे हैं। अब उसमें जितने लोग वापस आ रहे हैं तो सऊदी गवर्नमेंट जो है लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में कुरान शरीफ जो है लोगों को तकसीम कर रहे हैं। वहाँ पर जितने पिलग्रीम हैं, जितने हाजी हैं, उन सबको वो लोग गिफ्ट में दे रहे हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे हाजी हैं जिनको दिया जा रहा है। तो जो लोग, मेरे को जहाँ तक मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग हज करने गए हैं वो लोग, जितने लोग वापस आएंगे सब करीबन एक एक कुरान शरीफ तो लेके ज़रूर आएंगे। दोस्तों अगला और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आप लोग से शेयर करना चाहूँगा, चारों तरफ आगजनी तोड़फोड़ का माहौल, दंगे हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। फ्रांस की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रांस में एक अल्जीरियन नागरिक जो था, अल्जीरियन मूल का जो है फ्रांस का रहने वाला लड़का था, 17 साल का नाबालिग, उसको पुलिस ने जो है गोली मार दिया। क्यों मारा? कि उसके पास जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो ड्राइविंग कर रहा था तो पुलिस ने गोली मार दिया। अब पुलिस भाई साहब गोली कैसे मार सकती है? अब इस चीज़ को लेके वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्सा हुआ और इस एक मुद्दे को लेके वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे हैं रोज, मतलब इन सब चीज़ों डेली बेसिस पे ये चीज़ें, मतलब कहीं मॉल लूट रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल, कहीं स्कूल, कहीं गाड़ियाँ जला रहे हैं, ये हर चीज़ है। पुलिस से झड़प हो रही है, जहाँ पुलिस को देख रहे हैं मार पिटाई चालू हो जा रहा है। अब इन सब को देखते हुए जो जिस लड़के की मौत हुई है, नहल नाम था उसका, उसकी माँ जो है वो आ गई है
मीडिया में, और उन्होंने जो है लोगों से विनती किया है कि भैया यह सब चीज़ें बंद कर दो, ये मिसयूज कर रहे हो आप लोग मेरे लड़के का जिसका मौत हुआ है, जिसको पुलिस वाले ने मारा है, वो अरेस्ट भी हो गया और उसको उम्मीद है कि उसको सज़ा भी मिलेगी, और वहाँ के जो मैरकॉन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि उसको सज़ा मिलेगी। तो आप लोग जो है ना उसके नाम का फ़ायदा उठा करके माहौल मत ख़राब कीजिए, मतलब बेगुनाह लोगों को तकलीफ़ मत दीजिए, या फिर वहाँ पे जो मॉल्स वगैरह हैं, जो सामान है, जो लोगों की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को नुकसान मत पहुँचाइए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाइए। पुलिस वालों जो है ना, कोई पुलिस वाले ख़राब भी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, तो आप पुलिस वालों से मत भिड़िए। जो है कानून के हिसाब से हमें उम्मीद है कि वो पुलिस वाले को सज़ा मिलेगी, ये इन्होंने खुल के सामने आके अपील किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे दंगे भड़क रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति के अपील के बाद भी दंगे भड़क रहे हैं। कई जो एक्सपर्ट है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि फ्रांस एक विकसित देश है, लेकिन विकसित देश में भी इस तरह के दंगे जो इंडिया में देखे जाते थे, भाई इंडिया में बहुत दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, वो जो विकसित देश होता है वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो जो विरोध करते हैं वो एक सभ्य तरीके से विरोध करते हैं, उसमें किसी भी तरह का जो है अहिंसा नहीं होता है, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होता है। लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? कि लोगों का जीवन स्तर जो है ना विकसित देशों में भी, वो भी डाउन हो रहा है। तो जब जीवन स्तर जो डाउन होगा, तो ये रीज़न बताया जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि वहाँ भी महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, इसके वजह से जो जीवन स्तर है उसमें जो है गिरावट आती है, लाइफ स्टाइल में गिरावट आती है। तो उस गिरावट को देखते हुए लोग फ्री होते हैं, तो फ्री जो फ्री रहेगा वो दंगे फसाद करेगा, तो वो चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब में जो है मुहिम चल रही है जितने भी ड्रग डीलर वगैरह हैं उन लोगों के खिलाफ, और इसी मुहिम में जो है गोलीबारी हो गई सामने से। जो सऊदी पुलिस की सिक्योरिटी वाले थे वो लोग जो है एक उनको पता चला कि भाई यहाँ पे ग्रुप है जो कि ड्रग डीलिंग करता है, उसको पकड़ने ये लोग गए तो सामने से जो है तीन लोग थे, एक आदमी जो है पुलिस वालों पे फायरिंग करने लगा और पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग किया, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इन तीनों लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया गया है। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग इंडिया से हैं, SBI बैंक का आपके पास खाता है, तो SBI बैंक ने एक अलर्ट जारी किया, लोगों से कहा है कि भैया आपके पास अगर कोई भी फ़ोन करता है, किसी भी तरह का लिंक भेजता है और बोलता है कि इससे आप जो है अपने खाता को अपडेट कर लो, अपने ATM को अपडेट कर लो, नहीं तो बंद हो जाएगा, तो उन सब चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए, उनको रिपोर्ट करिए जो है पुलिस में। अगर वो किसी नंबर से कांटेक्ट कर रहा है, आपसे मेल आईडी कर रहा है, तो ये जो है फिशिंग है, ये ऑनलाइन जो है क्राइम है। वो लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपके डेटा और आपके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ऐसा बैंक से कभी भी कोई कॉल नहीं करेगा और आपसे नहीं बोलेगा कि आपके को हम एक लिंक भेजे हैं या आपको एक ऐप बता रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके आपके डिटेल्स भर दीजिए नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, कभी भी वो नहीं करेगा ऐसा, और ना ही आपसे फ़ोन करके आपके बैंक डिटेल्स, आपके ATM डिटेल्स और OTP मांगेगा। ध्यान में रखिएगा एकदम, लोग डरा देते हैं फ़ोन करके, भैया OTP दे दो नहीं तो आपका जो है ये बंद हो जाएगा। आपका अगर अकाउंट आपको चालू रखना है तो आपको हम सब अपडेट कर रहे हैं, एक OTP जाएगा आपके नंबर पे बता दीजिएगा, फिर आपका सब अपडेट हो जाएगा, आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, तो पता चलेगा कि आपका अकाउंट से पैसे खाली हो जाएंगे। ऐसा कभी भी मत करिएगा। कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, आप डायरेक्ट ब्रांच पे विजिट करके या फिर उनके ऑफिशियल जो नंबर होते हैं वहाँ पे कॉल करके आप जो है जानकारी लीजिएगा। ऑफिशियल जो ऐप होते हैं वही यूज करिएगा, किसी भी तरह का लिंक कुछ भी आप यूज़ मत कीजिएगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है दोस्तों में शेयर।